नमस्कार, प्रवासाक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है समय चक्र और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान जाने माने ज्योतिष शास्त्री रोहिता चतुर्वेदी सर। आपका बहुत स्वागत है। और देश दुनिया में जो तमाम घटनाएं हो रही हैं उसी से संबंधित सवाल हमारे कुछ होंगे, और हमेशा की तरह एक बार फिर से आप ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है उस पर अपनी टिप्पणी भी करेंगे। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आ गए हैं और कहीं ना कहीं अब पूरा फोकस महाराष्ट्र और झारखंड पे है जी। अभी चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा नहीं की है, ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड में क्या कुछ हो सकता है? हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की स्थिति क्या हो सकती है, वहाँ किस तरीके की राजनीति देखने को मिल सकती है अगले एक महीने में, क्या कहेंगे आप? देखिए अंकित जी, आपको याद होगा हमने अपने पिछले टॉक शो में ये डिस्कस किया था कि किन्हीं विशेष कारणों से ये जो अभी राज्य के चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इसका हम ज्योतिषीय आकलन नहीं कर पाएंगे। तो इसका हमने कोई ज्योतिषीय पूर्वानुमान नहीं था, हमने इनका आकलन नहीं किया था। ऐसे ही महाराष्ट्र और झारखंड का ज्योतिषीय आकलन हमने करना आरंभ कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस दिन चुनाव आयोग तारीख निकालता है हमारे पास स्पष्टता आ जाती है किस दिन चुनाव होंगे, किस दिन नतीजे घोषित होंगे, उससे हमारे पास ज्योतिषीय आकलन करने का एक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आ पाते हैं। अभी जो पूर्वानुमान जिसको हम एक प्राइमा फेसी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कह सकते हैं कि इस अवधि में चुनाव होते हुए दिख रहे हैं, भाजपा की ये कुंडली है, प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह जी की ये कुंडली है, शरद पवार जी की ये कुंडली है, इनकी की जो भी कुंडलियों में मोटा मोटा इस समय क्या अभी इनका भोग फल चल रहा है उसके अनुसार देखें तो यहाँ पे भाजपा को हर्ष और उल्लास अनुभव होता दिख रहा है, सफलता मिलते हुए दिख रही है। यहाँ पर 4 जून के बाद जो समीकरण बने हैं उनको छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें वैसे ही रहने दें और भाजपा को यहाँ पर सफलता मिलते हुए दिख रही है। भाजपा का पलड़ा भारी लग रहा है। झारखंड नहीं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, महाराष्ट्र, मैं झारखंड की तरफ आपका। झारखंड में अभी हमने ज्योतिषीय आकलन नहीं करा है। ठीक है, लेकिन सर आपने महाराष्ट्र की बात कर दी, तो महाराष्ट्र में कुछ ऐसे फेस हैं जिनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी होती है और कुछ लोग चाहते भी हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर पर बने रहें। पहला नाम देवेंद्र फडणवीस, क्या केंद्र में आ रहे हैं या उन्हीं के चेहरे पर महाराष्ट्र में भाजपा चुनाव लड़ेगी? देखिए जी, ये ज्योतिष में कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये तो कर्म का विषय है, ये तो पार्टी किस तरह स्ट्रेटेजाइज करता है करती है उस, लेकिन फिर भी सर एक इंसान का डायरेक्शन क्या होता है वो तो पता चल जाता जी, है ना? जी जी, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी की पदोन्नति तो होते हुए ये तो एक साल से आप बता रहे हो सर, पर उसमें विलंब भी हो रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि देखिए ज्योतिष में जो कुछ हम भोग फल या दशाएं देखते हैं वो टाइम बाउंड होती है कि इस समय से इस समय के बीच में आपको ये करना है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी है, जॉब चेंज करना है, ये समय अवधि समाप्त हो जाएगी। जब ये समाप्त हो जाएगी उसके बाद परिस्थिति बदल जाती है, फिर वो वैसी नहीं रहेगी, फिर जैसे हमें रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है वो वैसी नहीं आएगी। पर यहाँ पे अब ये कह पाना कि देवेंद्र फडणवीस जी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में ही बने रहना अच्छा है तो गलत होगा। ज्योतिषीय संकेत तो यही है कि देवेंद्र फडणवीस जी को राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहिए, महाराष्ट्र की राजनीति में, राज्य की राजनीति में नहीं रहना चाहिए, और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भाजपा को कोई अपना नया चेहरा ढूंढना चाहिए। उद्धव ठाकरे नहीं, उद्धव ठाकरे कहाँ से हो जाएंगे, वो तो उस पक्ष के हैं। नहीं, उद्धव ठाकरे का क्या कहें? अच्छा, उद्धव ठाकरे का तो जी मैंने आपको बताया था, रिलेटिवली अगर हम राज ठाकरे जी से भी देखें, इनका राज ठाकरे जी से रिलेटिवली अब हम इनका आगे का भविष्य देखें तो ये तो राज ठाकरे जी से भी कम है इनका राजनीतिक उन्नति, तो आगे इनको कोई विशेष सफलता या कोई विशेष पद मिलता हुआ नहीं दिख रहा। अजीत पवार, शरद पवार क्या फिर एक बार साथ आएंगे? अजीत पवार जी के कारण शरद पवार जी के लिए आने वाले समय में पारिवारिक पीड़ा और तनाव के योगायोग उत्पन्न हो रहे हैं। शरद पवार जी को, माननीय जी को, यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी कुछ अशुभ योगायोग उपस्थित हैं, और राजनीतिक हर्ष और उल्लास अनुभव हो ऐसी परिस्थिति हमें भाग्य बनती हुई नहीं दिख रही श्री शरद पवार जी के लिए। एकनाथ शिंदे, इनका राजनीतिक भविष्य आने वाले कुछ वर्षों में राजस्थान में, राजस्थान बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, महाराष्ट्र में उज्जवल है।
ये ऐसे ही बना रहेगा और ये अपनी जन लोकप्रियता में भी आगे बढ़ोतरी अनुभव करेंगे। चलिए, आपने महाराष्ट्र पे और झारखंड पे बहुत सारी बातें बता दी, अब हम जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ते हैं। चुनावी नतीजे आ गए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब्दुल्ला परिवार एक बार फिर से सत्ता में आ रहा है जी। ऐसे में जम्मू कश्मीर में स्थिरता कितनी रहेगी, आतंकवाद की क्या स्थितियाँ आने वाले दिनों में रहने वाली हैं, साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला और केंद्र के रिश्ते कैसे रहेंगे, उमर अब्दुल्ला के लिए क्या कुछ ज्योतिष भविष्यवाणी है? देखिए जी, इस वर्ष के विश्व विजय पंचांग में हमने प्रांतीय राज्य संघ में जम्मू कश्मीर प्रांत के लिए कुछ विशेष भविष्य फल कथन करा है। इस वर्ष दीपावली उपरांत ये फल घटित होते हुए दिखेगा। यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं पर तनाव इत्यादि अति उग्र हो जाएंगे और भारतीय सेनाओं को विशेष प्रयास करने पड़ेंगे सीमा पर और राज्य के अंदर शांति बनाए रखने के लिए। यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मतभेद उत्पन्न होना संभव है और यहाँ पर केंद्र सरकार आने वाले, मैं अभी एक दो महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जनरली शो ये एक महीने का करते हैं, मैं एक दो महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आने वाले लंबे अंतराल पर इस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर राज्य की सत्ता केंद्र के पास पुनः चली जाएगी, ऐसे प्रबल संकेत हैं। ठीक है, अब हम हरियाणा की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस जी जीतती हुई हार गई। हरियाणा की राजनीति, खास करके हुड्डा परिवार की राजनीति पर आप क्या कहेंगे और भाजपा क्या ऐसे ही मजबूत बनी रहेगी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो आप क्या देखते हैं? देखिए जी, ये तो केवल ना मीडिया में था कि कांग्रेस जीत रही है, फलानी पार्टी जीत रही है। मध्य प्रतिशत देखें आप भाजपा का हरियाणा में 2014 से जब माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हरियाणा बने, तब से लेकर अगर आप अभी 2024 तक का लोकसभा का या विधानसभा का भाजपा का मत प्रतिशत देखें तो इसमें एक ऐतिहासिक वृद्धि होते हुए आपको दिखेगी। हरियाणा उसी राह पर चला है जहां पर गुजरात चला था, वही हो रहा है ये जो गुजरात में हुआ था। आगे तो जो माँ की इच्छा वैसा होगा, पर ऐसा लग रहा है यहाँ पे हरियाणा प्रगति की उस राह पर चल दिया है जिस राह पर एक समय में गुजरात चला था। कांग्रेस का क्या होगा आने वाले दिनों में? कांग्रेस की स्थिति होगा जी, जो कांग्रेस का गुजरात में हुआ था कि विपक्ष में रहो। अब आप लेकिन सर, लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थितियां कांग्रेस के लिए बनी थी उसमें तो तरक्की दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी भी अपोजिशन के नेता बन गए, उनके लिए भी अच्छे दिन आने शुरू हो गए। प्रियंका गांधी के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छे दिन आने शुरू हो गए। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि पहला ही नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आपने पहला ही चुनाव लड़ा और उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में आपका गठबंधन जीता है लेकिन आपका उसमें योगदान कितना रहा, ये भी सवाल है, क्योंकि आपने 32 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 6 पर जीत हासिल की और जो आपका प्राइमरी काम था यानी मुख्य काम था वो जम्मू क्षेत्र में सीट जीतना था, वो आप करने में कामयाब नहीं रहे। देखिए अंकित जी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस वर्ष के श्री विश्व विजय पंचांग में हमने लिखा था कि इस वर्ष जून जुलाई में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने जीवन के एक विशेष पड़ाव पर आएंगे। वो विशेष पड़ाव इनका लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आना बना। इसके आगे लिखा गया है कि इस विशेष पड़ाव के बाद, कुछ समय के बाद, राजनीतिक ग्रोथ अब रुक जाएगी, स्टैग्नेट हो जाएगी, यही मैक्सिमम है, इसके आगे कुछ नहीं है। दूसरा, कांग्रेस के लिए हमने ये कभी नहीं कहा कि राज्य सरकारों के अंदर भी या राज्य स्तरीय राजनीति में भी कांग्रेस को बढ़ोतरी बन व आगे चल के बढ़ोतरी दिखेगी। जिस प्रकार हरियाणा में कांग्रेस को राजनीतिक गिरावट अनुभव हुई है उसी प्रकार महाराष्ट्र में होगी, उसी प्रकार झारखंड में होगी। कांग्रेस मुक्त भारत वाला जो संकल्प था किन्हीं का, उस पर हम अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, ये प्रत्यक्ष होते हुए दिख रहा है आने वाले कुछ वर्षों में। भाजपा संजीवनी मिल गई हरियाणा से, जिस तरीके से कयास और आपके पहले के कार्यक्रमों को भी हम देखें तो आपने कहीं ना कहीं ये संशय जरूर जताया था कि कहीं ना कहीं एक कमज़ोर सरकार साबित हो सकती है, मध्यावधि चुनाव के आसार बन रहे हैं। अब जब हरियाणा में भाजपा जीती है तमाम अटकलें कयासों के बावजूद भी, तो क्या भाजपा के लिए, मोदी सरकार के लिए, एनडीए के लिए हरियाणा एक संजीवनी के रूप में काम करेगा? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हम पहले भी इस वर्ष बात कर चुके हैं, पंचांग में भी विशेष भविष्यवाणी करी है, जहां कहा गया था कि अगस्त सितंबर में माननीय अपने
उल्लास को, अपने यश को, कॉन्फिडेंस को पुनः प्राप्त करेंगे आते हुए देखेंगे। ये हमने हरियाणा चुनाव में होता हुआ देखा, और जिस प्रकार आपने कहा अभी कि हरियाणा से भाजपा को संजीवनी मिली ऐसा दिख रहा है, मैं इसे ऐसे बोलता हूँ कि शायद संजीवनी तो नहीं कहेंगे हम इसे, पर एक आशीर्वाद कहेंगे। ये हरियाणा से नहीं, मेरे को तो पता नहीं क्यों ये नागपुर से आया लगता है, और ये जो आशीर्वाद नागपुर से आया है ये शुभ है। इसी दिशा में यदि हम आगे बढ़ते रहें तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जनवरी फरवरी जब यह राष्ट्र महाकुंभ के आगमन को भी देखेगा, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन के एक बहुत विशेष पड़ाव पर पहुंचेंगे, और वहां महाकुंभ से शिवरात्रि के आसपास, अगले वर्ष की बात कर रहा हूं मैं 2025 की, राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच जाएगी। अच्छा, आपने राष्ट्रीय राजनीति की बात कर दी तो एनडीए की स्थिरता भी एक बड़ा सवाल रहता है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, क्या एनडीए की स्थिरता बनी रहेगी? कोई ताज़ा संकट या नया विवाद तो कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अभी इमीडिएटली तो नहीं हो रहा, पर लंबे भविष्य में, लेट्स से अगले 6 महीने 7 महीने में सरकार की स्थिरता पर प्रश्न उठते रहेंगे। और तत्कालीन जो बजट आने के बाद, बजट आने से बाद या उसके पहले, आप देखना थोड़ा उस समय प्रश्न बने रहेंगे। और इस सरकार का पूरा टेन्योर जब तक ये सरकार रहेगी, 2029 तक पर हमेशा प्रश्न बने, 2029 तक तो रहेगी ना सर? नहीं जी, इसके ऊपर मैं भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभी भी आपको लगता है कि मध्यावधि चुनाव के आसार हैं? हमें लगता नहीं है जी, हम कभी अपने लगने लगान पे नहीं चलते हैं, हम तो गणित के ऊपर चलते हैं। गणितीय संकेत तो अभी बहुत कुछ हैं, अभी जनवरी फरवरी आने दीजिए, 2025 का महाकुंभ आने दीजिए, महाकुंभ तो होने दें, उसके बाद देखें कि देश की राजनीति अब किस दिशा में जाती है। ठीक, 2029 बहुत दूर है। आपका फेवरेट टॉपिक सर महाकुंभ के दौरान एक चीज़ और होगा जी, वो है दिल्ली विधानसभा चुनाव, और आपका फेवरेट टॉपिक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, बंगला विवाद शुरू हो गया सर। क्या मतलब अरविंद केजरीवाल के लिए जो हरियाणा में तरक्की तो नहीं हुई, हरियाणा के लाल को कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों ने ही नकार दिया, दिल्ली में जो दिल्ली का बेटा है क्या उसका जलवा रहेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अब ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली की जनता देगी, तभी केजरीवाल फिर से सीएम बनेंगे। ईमानदारी का सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा? देखिए, हम पहले भी अंकित जी डिस्कस कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी जिस तीव्र गति से बढ़ी थी उसी तीव्र गति से अब इसका पतन आरंभ हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी का राजनीतिक जीवन अब कुछ बचा नहीं है आगे, और आगामी अब जो अगले विधानसभा चुनाव होंगे दिल्ली के, वहाँ पर आम आदमी पार्टी अपनी जन लोकप्रियता में एक अनप्रीसीडेंटेड गिरावट देखेगी। जो अनप्रीसीडेंटेड राइज देखा था वैसे ही अब ये गिरावट देखेगी। अक्टूबर ऑनवर्ड्स, ये हम आ गए हैं इस समय अवधि में, यहाँ पर राजनीतिक पतन आम आदमी पार्टी का और तीव्र हो जाएगा, इनकी जन लोकप्रियता एकदम गिरावट की तरफ अब जाएगी। पंजाब में भी कुछ होगा? पंजाब के ऊपर मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, नीतीश कुमार, हाँ जी, कुछ करने वाले हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बिहार की राजनीति कैसी रहेगी, क्योंकि अगले साल वहाँ भी चुनाव होने हैं, प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर आ गए हैं, तो बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार। देखिए जी, स्वास्थ्य के ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मुझे नीतीश कुमार जी की कुंडली और क्या उसमें परिस्थिति है इसका अभी स्मरण नहीं है, पर अगर हम राजनीतिक परिस्थिति देखें तो अब महाराष्ट्र चुनाव जब होंगे तब बिहार में काफ़ी हलचल होगी। महाराष्ट्र के समीकरण बिहार में भी कुछ हलचल करते हुए दिखेंगे, और नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत सी चर्चाएं अब मीडिया में आएंगी। प्रशांत किशोर फैक्टर, प्रशांत किशोर को लेकर कुछ, ये फैक्टर कभी था ही नहीं, ना आज ना कल होगा। ठीक है, मतलब उनको इंतजार करना पड़ेगा राजनीति में अभी। ना फैक्टर आज था ना कल होगा। ठीक है, त्योहारी मौसम है सर, और हाल में ही देखा कि कैसे सोशल मीडिया पर एक घटना हुआ अजमेर में, और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई है उस इंसान की। तो ऐसे में जो कानून व्यवस्था है राज्यों में वो कैसा रहेगा, क्योंकि त्योहारी मौसम है, दशहरा है, फिर दिवाली आएगी, फिर छठ भी होगा कई राज्यों में, चुनाव मौसम भी है, तो आप कानून व्यवस्था को लेकर क्या? चिंता ही बनी रहेगी, और इसमें एक और फैक्टर ऐड कर दें, जियोपॉलिटिकली इर्द गिर्द जब तक तनाव बना रहेगा
भारत में सुरक्षा संकट बना रहेगा। यहाँ पे हमारी रक्षा वाहिनियों को, सुरक्षा तंत्र को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी कोई अप्रिय घटनाक्रम पड़ोसी राष्ट्रों के षड्यंत्र द्वारा करा जा सकता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी देखा अभी बिहार में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। जी जी जी, इसमें तो अक्टूबर नवंबर जो हैं 2024, यहाँ पे तो भूकंप की भी संभावना उपमहाद्वीप के अंदर बहुत प्रबल है। विश्व विजय पंचांग में हम कुछ स्पेसिफिक तारीखों के ऊपर प्रकाश डालते हैं जहाँ पर भूकंप की संभावना अधिक रहती है। यहाँ तो प्रकृति अपना अति उग्र रूप दिखा सकती है। अभी हम देखें यूएस में जो ये मिल्टन साइक्लोन आया है, और इस पूरे सीजन में एक के बाद एक साइक्लोन आते जा रहे हैं, अर्थक्वेक आते जा रहे हैं, इसमें अभी हमें शांति आते हुए नहीं दिख रही। ये प्राकृतिक प्रकोप का जो क्रम चल रहा है ये निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा, ये आगे चल के और उग्र हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में प्राकृतिक प्रकोप जिसमें विशेषकर भूकंप द्वारा नुकसान की अधिक संभावना है। अच्छा, क्योंकि हम लोग जब बैठे हुए हैं तो आज से एक महीना बाद या कोई बड़ा फैसला इन एक महीने में क्या मोदी सरकार कोई ले सकती है? किस संदर्भ में बड़ा है? कोई भी देश के संदर्भ में अगर कोई बड़े फैसले की गुंजाइश है? देश के संदर्भ में तो बड़े फैसले की गुंजाइश नहीं है, पड़ोसियों के संदर्भ में है। अच्छा ठीक, पूर्वोत्तर और मणिपुर स्थिति क्या रहने वाली है? और गंभीर होती भी दिख रही है। अगले साल मार्च अप्रैल आते आते तो पूर्वोत्तर राज्यों में और बांग्लादेश से हमारे लगने वाले राज्यों में, म्यांमार से लगने वाले हमारे राज्यों में विशेष सैनिक संकट उत्पन्न हो सकता है। आने वाले समय में स्थिति तनावपूर्ण भी लग रही है और गंभीर भी लग रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में, मैं यहाँ पे समय सीमा पर नहीं जा रहा हूँ, भारतीय सेनाओं को हस्तक्षेप करना ही होगा एक चिरकालीन शांति लाने के लिए। मैं सैनिक हस्तक्षेप की बांग्लादेश और म्यांमार में बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में बांग्लादेश म्यांमार में भारत को सैन्य हस्तक्षेप करना ही होगा। ठीक है, ममता बनर्जी, उनके लिए क्या भविष्यवाणी अगर देखा जाए तो ज्योतिष अनुमान क्या है? ममता बनर्जी के लिए, जैसा कि हम पंचांग में लिख भी चुके हैं, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब जो ये आगे वाले समय है अक्टूबर ऑनवर्ड्स, यहाँ पर इनकी चिंताएं बढ़ती जाएगी। विश्व विजय पंचांग में हमने लिखा तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है सर। जी, अगस्त सितंबर में इनकी जनलोकप्रियता में भी गिरावट आएगी, वो हमने जो अशुभ घटनाक्रम कलकत्ता में हुआ उसमें देखा। और अब आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर में ममता बनर्जी के लिए चिंता बढ़ती ही जाएगी। इसमें इनको स्वास्थ्य के अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और राजनीतिक तनाव पार्टी के अंदर से भी आना आरंभ हो जाएंगे। ठीक है, एक सवाल और, क्योंकि विपक्ष की हम बात कर रहे हैं तो विपक्ष में दो ऐसे चेहरे हैं जिनकी लोकप्रियता अगर देखी जाए तो पैन इंडिया होती दिखाई दे रही है। एक और अखिलेश यादव हैं, एक और राहुल गांधी हैं, दोनों विपक्ष में हैं, दोनों यूपी के दो बेटे हैं, यूपी के दो दोस्त हैं, दो भाई हैं, जो कह लीजिए, लेकिन अगर इनमें मुकाबला किया जाए तो आने वाले दिनों में अच्छे दिन किसके दिखाई दे रहे हैं? शॉर्ट टर्म पे जा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म पे नहीं जा रहा। शॉर्ट टर्म अगले 3-4 महीनों में राहुल गांधी जी का तो कॉन्फिडेंस और जो एक अच्छा फेस चल रहा है वो अगले 3-4 महीने तक तो चलता रहता है। अखिलेश जी का जो अच्छा फेस चल रहा था उस पर पॉज लग गया है। अखिलेश जी की जो ग्रोथ है वो अब पॉज लग गई है, राहुल जी की अभी कुछ समय तक और। आपने दो एक चीज से दो संकेत दे दिए हैं, यूपी बाई इलेक्शन वालों के लिए अच्छे संकेत दे दिए हैं जो अखिलेश के ऑपोजिशन में चुनाव लड़ेंगे। हाथी नींद से जाग गया है बहुत अरसे बाद, 8-10 साल बाद हाथी नींद से जागा है। देखते हैं क्या होता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं सर, क्योंकि देश के मुद्दे तो हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो उठापटक की स्थिति बनी हुई है सर जी। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में है? आगे क्या हो सकता है? जी, ज्योतिषीय मत ये है कि यही तृतीय विश्व युद्ध है। वी आर इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर, दिस इज द थर्ड वर्ल्ड वॉर। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की
जर्मनी पोलैंड वॉर हुई थी, बाद में ब्रिटेन फ्रांस ने ज्वाइन किया था, बहुत सालों बाद अमेरिका ने ज्वाइन किया था, फिर रशिया ने कुछ सालों बाद वॉर में हस्तक्षेप किया था। इसी प्रकार ये यूक्रेन रशिया ईरान इसराइल पैलेस्टीन जो चल रहा है, दिस इज़ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये अब आगे और तीव्र होती जाएगी। इस वर्ष के विश्व विजय पंचांग में हमने लिखा है कि अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस इसराइल एंड इंडिया, अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन इसराइल और भारत अंतर्राष्ट्रीय सैन्य समूह और सैन्य व्यू की रचना करेंगे, एक मिलिट्री ब्लॉक, एक सुपर पावर ब्लॉक यहाँ पर अपने प्रारंभिक रूप को देख रहा है। भविष्य में चलकर अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस इसराइल और भारत एक सुपर पावर ब्लॉक की तरह उभर कर सामने आएंगे। इसी में हम विश्व विजय पंचांग में इस साल बताते हैं कि ईरान अथवा किसी अन्य शत्रु राष्ट्र पर सबको चकित कर देने वाला भीषण सैन्य प्रहार अमेरिका द्वारा संभव है। ये हमने इस साल के पंचांग में जनवरी फरवरी में प्रेडिक्ट किया था। अब वो परिस्थितियां बनती भी दिख गई हैं। ईरान ने जो भी गलती करी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, इसका तो जवाब आएगा, शायद जवाब में स्वयं अमेरिका आ जाए। ईरान लेबनान का क्या होगा फिर? जो अमेरिका चाहेगा। इसराइल का कुछ चाहत काम करता दिखाई दे रहा है जी? दोनों की चाहत बिल्कुल एक ही है, दोनों की चाहत एक ही है कि कम्युनिज्म और रेडिकल इस्लाम को दुनिया से समाप्त करना। लेकिन सर नेतन्याहू चर्चा है इनकी जी, इनकी कुंडली क्या कहती है? इनकी कुंडली बहुत सुदृढ़ है, आने वाला समय भी इनके लिए शुभ है। ये अपने राष्ट्र को बिल्कुल सही दिशा में ले जा रहे हैं। इनके कर्म बल के कारण इसराइल एक अभूतपूर्व छलांग मार रहा है, जहां पर अब आने वाले वर्षों में जो एक हमेशा इसराइल के ऊपर अशुभ साया शत्रु राष्ट्रों का संगठनों का बना रहता था वो समाप्त तो हो जाएगा, और इसराइल की आने वाली जनरेशन इस शत्रु भय से के बिना अपना जीवन व्यतीत कर पाएगी। क्या हमास खत्म हो पाएगा पूरी तरह से? हमास हिजबुल्ला हौतीज और फिर तेहरान में रिजीम गिर जाएगी। इस पूरे चक्र में वो भयानक सैन्य अग्नि का प्रदर्शन होगा जो हमने द्वितीय विश्व युद्ध से नहीं देखा। इस प्रकार की युद्ध गर्जना होगी कि तेहरान ही नहीं, उसके भय से पूरा ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर कांप उठेगा। यहाँ पर प्रबल ज्योतिषीय संकेत हैं कि आने वाले समय में अमेरिका और मित्र राष्ट्र ईरान के साथ वही करें जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के साथ किया गया था। बिल्कुल, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी हो रहे हैं सर जी, और ऐसे में क्या कुछ वहाँ हो सकता है? कमला हैरिस बनाम ट्रंप में किसका प्रभारी है? देखिए जी, डिटेल में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंसी और अमेरिकन इलेक्शंस को स्टडी नहीं करा है। इसमें हमारा एक बार पहले भी प्रेडिक्शन गलत हो चुका है 2020 में, तो हम इसमें जो कुछ कुंडलियां हैं जिनका अनुभव अनुसंधान करते हैं प्रेसिडेंसी प्रिडिक्ट करने के लिए, उस पर अभी हम कार्य ही कर रहे हैं। पर संकेत अभी प्रारंभिक प्राइमा फेशियल वही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप परिवार को ही यहाँ पे जनता का सपोर्ट या जन समर्थन मिलता प्रतीत हो रहा है। बाकी तनाव वगैरह कुछ तो अमेरिका में कुछ नहीं जी? जो बाइडेन का स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है? उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ही नहीं, वो तो चल रहे हैं, बस ईश्वर कृपा कर बनाए रखें और थोड़ा और खींच दें। ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध में आगे क्या होगा? पुतिन की कुंडली क्या कहती है? आने वाले कुछ समय में अगले वर्ष जनवरी फरवरी 2025 उपरांत रूस के लिए कुछ समय के लिए आने वाले 8-9 महीने 2025 का लेट से जो पहले 6-7 महीने हैं ये रूस के लिए अशुभ है। यहाँ पर रूस किसी तनाव में जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन को अपनी निजी सुरक्षा अथवा निजी स्वास्थ्य के कारण कुछ अशुभ परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष हो सकती हैं। यहाँ पर रूस का राष्ट्र मनोबल भी एकाएक कम होता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन की स्थिति? यूक्रेन की स्थिति तो दयनीय बनी रहेगी। ठीक है, भारत और चीन
रिश्ते कैसे रहेंगे, क्या कोई फिर से कुछ होने वाला है? जी, तनाव जैसा है वैसा ही बना रहेगा। चीन और भारत के रिश्ते खटास में हैं, खटास में ही बने रहेंगे। सैन्य संघर्ष भविष्य में होगा ही होगा, इसे टाला नहीं जा सकता है। भारत और चीन आने वाले समय में सैन्य संघर्ष में एक दूसरे को देखेंगे, ये अब टलना असंभव लग रहा है। बिल्कुल। और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते? हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। रिश्ते तो तब ठीक होंगे जब वहाँ पे सुशासन आएगा। वहाँ पे सुशासन लाने के लिए भारतीय सेना को करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो क्या संकेत मिल रहे हैं कुछ इस तरीके के? मुक्ति वही नहीं, वही इतिहास अपने आप को दोहराएगा। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम समय चक्र। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे मेहमान रोहिताश्व त्रिवेदी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।